नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार मंडी के अंदर चने और सरसों की लगातार आवक हो रही है। आज हम यहां व्यापारी पंकज खंडेलवाल जी की दुकान पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो चने के भाव हैं और आवक है कितनी हो रही है और चने के भाव क्या है। सबसे पहले तो पंकज जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय मंडी के अंदर आज चने की कितनी आवक है और क्या भाव? देखो जी, चने की आवक मंडी में तो शून्य के बराबर मानो, और भाव आज तकरीबन 6,000 से 6,500 रुपये लूज, मंडी लूज के भाव है। बाकी चने की जो आप आवक जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आवक कितनी है, बाकी चने की आवक कई दिनों से शुरू से ही, बल्कि यहाँ पे मंडी में कोई चने की आवक इतनी कोई लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है। जितना भी चना यहाँ पे स्टॉक हुआ है और मिलरों को जो मिल रहा है, वो सभी बाहर की मंडियों से और बाहर के जिलों से आके और यहाँ पे पूर्ति हो रही है। क्या कारण है कि क्यों नहीं आ पा रहा चना मंडी के अंदर? चने में जो लोकल स्पॉट है, जहाँ लोकल जो मंडियाँ हैं जहाँ से चने आते हैं, वहीं पे स्टॉकिस्ट काफी सक्रिय है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि आजकल सभी जगह चने की दाल मिल वगैरह खुल गई है, तो उनको वहीं लोकल खपत के लिए चने की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, तीसरा ये मान के चलो कि चने में कमजोर पैदावार थी, तो उस वजह से अपने लोकल मंडियों में भी कहीं पे इतनी कोई बड़ी लंबी चौड़ी आवक रही नहीं। तो मुख्य कारण ये मान के चलो कि चने में जो तेजी का कारण बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर पैदावार है। कहीं ना कहीं जो चने की अगर अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आवक भी कम होने के कारण तेजी है चने के अंदर। बिल्कुल सही बात है। जो शुरू में जैसे आवक जो बाहर की मंडियों में 2,000-3,000-5,000 कट्टे की थी, वो अब घट के मात्र 500-700 कट्टे की रह गई काफी मंडियों में। बाकी अगर अपन चले बात करें कोटा झालावाड़ के क्षेत्रों में, तो उधर आज भी आवक 10,000 कट्टे की है, लेकिन वहाँ पे स्टॉकिस्ट उसी तरह से रहते हैं। अगर मंडी के अंदर अगर बात करें तो फिलहाल चने की क्या आवक मानते हैं, मतलब की भाई कितनी मांग है चने की? चने की मांग तो यहाँ पे लगातार बनी हुई है। अगर आज चाहें कि अपन अगर आज अपन को 1,000 बोरी चना बेचना है तो 1,000 बोरी का लेवाल है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि 1,000 बोरी का लेवाल होता है और बिकवाल नहीं होता है, तो चने में लगातार खपत तो है और डिमांड भी है, बाकी सप्लाई घटती जा रही है। कोई MSP वगैरह को लेकर कोई? नहीं, MSP से तो शुरू से चना ऊपर है। 5,500 रुपये जैसे इसकी MSP है, तो आज करीबन 500-550 रुपये MSP से ऊँचा बिक रहा है चना। तो चना इस साल हमारे हिसाब से तो भाई अच्छे भाव देखने को मिले। तो आगामी अगर अपन चने की बात करें तो आगामी जैसे जैसे चने की डिमांड बढ़ती जाएगी तो आगे भाव भी बढ़ोतरी होती जाएगी। बिल्कुल, भाव में बिल्कुल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जैसे कि बाहर मंडियों में बातचीत होती है कि सभी लोग अभी फिलहाल जो सपोर्ट प्राइस देख रहे हैं इसका, वो 7,000 रुपये दिल्ली का भाव देखना चाह रहे हैं, जो आज भाव 6,400-6,450 रुपये का भाव। आज से अगर अपन 5 दिन या 10 दिन पहले की बात करें तो चने में कितनी तेजी थी भाव में और कितनी यानी कि उतार चढ़ाव कुछ था या नहीं था? क्या चना अभी बीच में 5-7 दिन पहले 6,400 बिक के और वापस अपने दिल्ली 6,500 रुपये रह गया था, तो उतार चढ़ाव तो लगातार रहता ही है और उतार चढ़ाव रहना भी चाहिए। अगर एक ही चीज का अगर लगातार चढ़ाव ही चढ़ाव रहेगा तो कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा। तो अभी अगर अपन जैसे मिलर की बात करें तो जैसे चना मिल में जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं क्या? हाँ, स्टॉक में भी करते हैं और बाकी मिलिंग में भी काम आता है। मिलिंग भी बराबर चल रही है, ऐसा नहीं है कि मिलिंग सिर्फ खाली स्टॉक ही स्टॉक में जा रहा है, मिलिंग भी बराबर चल रही है और दाल में भी अच्छी डिमांड है, ऐसी बात नहीं है। और क्वालिटी की बात की जाए अगर आपने, क्वालिटी इस बार अच्छी है, नो डाउट, क्वालिटी में कोई वो नहीं है क्वालिटी, लेकिन यह कह सकते हैं कि क्वालिटी जो शुरू में आई थी वो अब कुछ घट गई है। क्या कारण है इसका? उसका कारण यह है कि जो किसानों ने जब माल रोक रखा था शुरू का, वो कुछ हल्का माल था और वो अब अच्छे भाव को देख के अब अपना माल निकालना चाहते हैं, तो अब क्वालिटी कुछ घटी है पहले से। तो पहले जैसे देखा जाता था कि जब शुरुआत का दौर था, जब चना आया था मंडी के अंदर, तो कुछ नमी भी देखने को मिली थी। हाँ, तो वो मॉइस्चर वगैरह की अब कोई नहीं, अब कोई शिकायत नहीं है। अब तो चना भी फुल रहा है, मतलब अंडर जो उसकी लिमिट रहती है मॉइस्चर की 10%, उससे नीचे ही आ रहा है। और रही बात गुणवत्ता की, तो ऐसी कोई शिकायत वाला काम है। तो लगभग जो व्यापारी है वो स्टॉक कर रहे हैं, लगातार स्टॉक में ही जा रहा है चना, मंडी में नहीं आगे बढ़ रहा।
मंडी में ही, मंडी में मतलब जैसे दुकानदार जो सीधा माल लेते हैं उनका सीधा मतलब वेयर हाउस वगैरह में खाली हो जाता है, तो मंडी में वैसे जो लोकल जो ढेरिया होकर बिकती है वो नहीं आती, क्योंकि उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो किसानों ने जो अपने लोकल अलवर हमारे जो क्षेत्र है उसमें किसानों ने पानी नहीं होने की वजह से चने की बुआई नहीं कर पाए। तो मेरे लिए एक सबसे बड़े जो अपन मानते हैं कि सबसे बड़ी जो कमी है वो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रही है कि किसानों के पास में पानी की जो कमी है पानी की उसके कमी, कारण से वो पैदावार नहीं कर पा रहे, पैदावार नहीं करता, पानी की कमी कर, ये बड़ा कारण मानते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में यह पंकज हंडेलवाल जी जो चने के व्यापारी हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने हमको चने के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हमको बताया कि यह चने की मंडी के अंदर आवक है जो कम है, लेकिन कमी का कारण सबसे बड़ा यह है कि जो पीछे से चना नहीं आ पा रहा, लेकिन भाव जो है वो तेजी में है। आगे चने के बारे में फिर दोबारा से मार्केट टाइम टीवी की टीम दोबारा से चर्चा करेगी। नितिन शर्मा, अलवर।